की शुरुआत होती है 1934 में, जहां पर हम देखते हैं एक चाइनीज फैमिली के अंदर एक मदर और डॉटर को, जो कि अपने घर पर टाइम स्पेंड कर रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं, जिसके साथ ही ये सीन यहां पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर कृष्णकांत आचार्य, जिसको हम निकनेम में क्रिस बुलाएंगे, जो कि एक सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन है, जो कि अपनी वाइफ लक्ष्मी के साथ में हिमाचल के अंदर रोजिना वैली के माउंटेन्स में रहता है। उन दोनों की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है, जिनकी लव मैरिज हुई थी। उन दोनों की लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार है, तो कुल मिला के वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी और स्वीट और शॉर्ट फैमिली है। अब उनके पड़ोस वाले घर में, जो कि बहुत सालों से खाली पड़ा हुआ था, वहां पर एक फैमिली रहने आती है। उस फैमिली का हेड होता है पॉल डिकोस्टा, उसकी वाइफ लिजी डिकोस्टा उसके फादर भी होते हैं, और उनकी दो बेटियां होती हैं, जिसके अंदर बड़ी बेटी जेनी और छोटी बेटी सैरा होती है। अब एक खास बात कि लिजी यहां पर सैरा की बायोलॉजिकल मदर है और जेनी की वो स्टेप मदर है, क्योंकि पॉल की पहली वाइफ की डेथ 7 से 8 साल पहले हो गई थी और फिर उसने अपनी फैमिली के लिए लिजी से शादी कर ली। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, एक दिन जेनी और सैरा घर के बाहर खेलते हुए लक्ष्मी के घर पर आते हैं और उससे थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहां पर जेनी की नजर पहली बार क्रिस की फोटो पर पड़ जाती है, जो कि उसको काफी अट्रैक्टिव लगता है। अब तभी उन्हें पॉल का कॉल आता है और वो दोनों अपने घर पर चली जाती हैं और लक्ष्मी को वो हाउस वेलकमिंग पार्टी का इन्विटेशन दे देती हैं। बेसिकली यहां पर गृह प्रवेश आप बोल सकते हो। फिर अगले सीन में वो दोनों ही पॉल के घर पर जाते हैं पार्टी को अटेंड करने के लिए, और यहां पर जेनी क्रिस को देखकर उसको मन ही मन में पसंद करने लगती है, जो कि शायद से टीनेज की वजह से हो सकता है। क्रिस अब पॉल के साथ में बात करता है और लक्ष्मी लिजी के साथ में टाइम स्पेंड करके थोड़ी बहुत बात करती है। कुछ ही देर के बाद में क्रिस अकेला खड़ा हुआ था कि तभी वहां पर जेनी उसके साथ में आती है और उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगती है। हालांकि क्रिस इस चीज को लाइटली लेता है, एज उसकी नजर में वो अभी एक टीनेजर बच्ची थी। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और क्रिस घर में घूम रहा था कि तभी वो सैरा को देखता है, जो कि विंडो के पास खड़ी हुई थी और बाहर देख रही थी। वो उसके पास में जाता है और बाहर ये देखता है कि वहां पर घर के बाहर बने हुए वेल पर जेनी खड़ी हुई है और वो उसके अंदर जंप कर देती है। क्रिस अब पॉल को इसके बारे में बताकर तुरंत ही वेल में जंप कर देता है और जेनी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार में उसे जेनी की जगह कोई और ही गोस्टली फेस नजर आता है, जिससे वो डर जाता है। लेकिन दूसरी बार में वो उसको बचाकर कुएं से बाहर निकालता है और उसको CPR वगैरह देकर होश में लाता है। अब वो घर आता है, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि उसने वहां पर गोस्टली फिगर को देखा था। लेकिन लक्ष्मी उल्टा उसके ऊपर ही गुस्सा कर रही थी कि वो कुएं में क्यों कूदा, जबकि वहां पर इतने सारे लोग थे और अगर उसको कुछ हो जाता तो उसका क्या होता। लेकिन यहां पर वो उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ में जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है, और ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी, या फिर हो सकता है कि ये स्ट्रेस को दूर करने का उसका कोई नया तरीका होगा। खैर, वो लोग इंटीमेट हो रहे थे और हम उनके रूम के अंदर घूमती हुई एक स्पिरिट को देख पाते हैं, जो कि उनके ऊपर नजर रख रही होती है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब था। अब रात को 3 बजे घर की डोर बेल रिंग होती है, और यार ये चीज तो मेरे साथ भी हो चुकी है, तो अगर आपको मेरी रियल स्टोरी जाननी है तो नीचे कमेंट के अंदर जरूर लिख देना कि हाँ भाई अपनी रियल स्टोरी जरूर लेकर आना। खैर, यहाँ पर अब क्रिस डोर ओपन करता है तो बाहर पॉल था, जो कि बोलता है कि जेनी को दौरा पड़ गया है और क्रिस जल्दी वहां पर चले। वो वहां पर जाता है और जेनी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, एग्रेसिव थी, जिसको संभालते हुए वो उसको शांत करने का इंजेक्शन दे देता है। हालांकि इसी बीच वो उसको ही एग्रेसिव होकर बाइट कर लेती है, और ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। खैर, अगले दिन पॉल और जेनी हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर वो जेनी का ब्रेन स्कैन करवाते हैं और डॉक्टर ये बताते हैं कि उन दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और जेनी बिल्कुल ठीक है, उसका ब्रेन बिल्कुल ही परफेक्ट कंडीशन में है, और ये दौरे वगैरह पड़ना कभी कभी बिना रीजन से भी हो जाता है। अब इधर घर पर लिजी जेनी के रूम की सफाई कर रही होती है, तभी उसे उसके क्लोजेट में छुपा हुआ एक नाइफ मिलता है, और साथ ही साथ क्लोजेट की वॉल के ऊपर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि यहाँ से चले जाओ। हालांकि लिजी को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि उसको चाइनीज नहीं आती थी, लेकिन मेरे पास तो ट्रांसलेटर है ना, तो मैं तो पता लगा ही सकता हूँ। खैर, अब तभी वहां पर लक्ष्मी आती है और वो सैरा के लिए चॉकलेट लेकर आई थी, और सैरा मस्ती करते हुए कर्टेंस के पीछे छुपी हुई थी। लेकिन अभी आपको यहाँ पर धक्का लगने वाला है। लिजी अब लक्ष्मी से मिलती है और वो असल में उन लोगों को डिनर के लिए इनवाइट करने आई थी, और यहाँ पर हम सैरा को घर में भागता हुआ भी देख पाते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी सैरा को बुलाने लगती है तो लिजी ये बताती है कि वो और जेनी पॉल के साथ साइट पर गई है। जी हाँ, यानी कि जिसको हमने देखा था वो एक स्पिरिट थी, जिसको लक्ष्मी ने भी देखा था, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। शाम को अब पॉल, लिजी और जेनी डिनर के लिए क्रिस के घर पर जाते हैं। सैरा और उसके ग्रैंडपा साथ में ही खाना खाकर घर
ही सो गए थे। अब जेनी यहाँ पर क्रिस के साथ फिर से फ्लर्ट करती है, लेकिन वो उसको फन वे में इग्नोर कर देता है। लेकिन लक्ष्मी भी ये सब देख रही थी, हालांकि वो भी इस चीज को इग्नोर करती है और उसको मजाक में लेती है। अब खाना खाने के बाद में वो सब लोग बात कर रहे थे और जेनी घर से बाहर अपने घर को देख रही थी, तो उसे घर के अंदर घूमती हुई एक स्पिरिट दिखती है जो कि उसको हॉन्ट करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसको पॉल और क्रिस आकर संभालते हैं। फिर पॉल और लिजी उसे घर पर ले जाते हैं। हालांकि अब क्रिस और लक्ष्मी भी थोड़े बहुत परेशान हो गए थे कि जेनी ने वहां पर ऐसा क्या देख लिया। रात को पॉल और लिजी सो रहे होते हैं कि तभी उन्हें पियानो बजने की आवाज आती है, जो कि उसके फादर अक्सर प्ले किया करते थे। तो पॉल उनको रोकने जाता है, एज रात काफी हो रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता और ये आवाज उनके रिकॉर्डर से आ रही थी, तो वो उसको ऑफ कर देता है। लेकिन वो फिर से खुद पे खुद ही प्ले होने लगता है, तो वो उसकी बैटरीज को ही निकाल कर ले जाता है और बाहर उसे अजीब तरह से बैठी हुई जेनी मिलती है, जिसको देखकर वो थोड़ा परेशान होता है और बोलता है कि अब आवाज नहीं आएगी और वो जाकर सो जाए, जिसके साथ ही वो अपने रूम में चली जाती है। और हम पियानो के पास उसी फीमेल स्पिरिट का हाथ देख पाते हैं, जो कि इस घर में बार बार दिख रही थी। अब अगली सुबह क्रिस को उसके घर की मेड एक फोन लाकर देती है, जो कि असल में जेनी का था, जिसको वो आखिरी रात यहीं पर भूल गई थी। अब उस पर पॉल का कॉल आता है, जो कि बताता है कि जेनी और सैरा सुबह से गायब हैं और क्रिस उसके साथ चले उनको ढूंढने के लिए। अब वो दोनों घर के पास वाली खाई के पास जाते हैं, जहां पर जेनी सीधे खाई की ओर चले जा रही थी और सैरा उसके पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन सडनली वो फिसल कर गिरने लगती है और क्रिस उसको बचाने जाता है और पॉल जेनी को रोकने जाता है, जो कि खाई के किनारे पर ही खड़ी हो गई थी। वो लोग उन दोनों को अब घर लेकर आते हैं और पॉल जेनी पर गुस्सा करता है, लेकिन वो तभी बेहोश हो जाती है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। और अगले सीन में उसे क्रिस के हॉस्पिटल के अंदर एक साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रसाद के पास लेकर जाया जाता है। डॉक्टर अकेले में उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं, तो वो बताती है कि उस घर में कोई स्पिरिट है, जो कि उसे बार बार यहाँ से जाने के लिए बोलती है और कई बार उसको हॉन्ट कर चुकी है। और ये स्पिरिट जो है वो चाइनीज में बात करती है, जो कि उसको समझ में नहीं आती, लेकिन उसने हमारी ही तरह ट्रांसलेटर यूज किया था, तो वो जानती है कि वो उन्हें बाहर जाने को कहती है। डॉक्टर प्रसाद उसके बताए आंसर्स को अपने हिसाब से समझते हैं और उसको बाहर भेजकर पॉल से ये बोलते हैं कि वो कुछ और सेशंस के बाद ही कुछ फाइनल बता पाएंगे। अब घर पर उनके ग्रैंडफादर ने एक बंजारे को बुलाया था, जो कि साइकिक था, और उसे इस घर के अंदर स्पिरिट सेंस हो गई थी। लेकिन पॉल इन चीजों पर फिलहाल यकीन नहीं करता और उसको घर से बाहर भेज देता है। अब रात को वो जेनी को देखता है, जो कि अजीब तरह से बैठी हुई थी और अपने बाल कोम कर रही थी, और ऐसा ही कोम हमने उस चाइनीज फैमिली की मदर के पास स्टार्टिंग में देखा था, जिससे वो अपनी बेटी के बाल कोम किया करती थी। लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया और जेनी का इससे क्या कनेक्शन है, तो ये हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब एक सीन में डॉक्टर प्रसाद घर आते हैं और जेनी की एब्सेंस में उसके रूम को चेक करते हैं, जहां पर उनको बहुत ही अजीब सी चीजें मिलती हैं। जेनी के टैबलेट में सर्च हिस्ट्री के अंदर गोस्ट, एग्जॉर्सिज्म जैसी चीजें थी, बुक्स भी पैरानॉर्मल और एग्जॉर्सिज्म या फिर भूतों से रिलेटेड थी, साथ ही साथ वो थोड़ा बहुत ड्रग भी यूज किया करती थी। अब अगले दिन डॉक्टर प्रसाद क्रिस को ये बताते हैं कि उन्हें जेनी के ऊपर हिप्नोसिस यानी कि हिप्नोथेरेपी यूज करनी होगी। और क्रिस जब घर आता है तो लक्ष्मी से भी उसके थोड़े बहुत झगड़े आजकल हो रहे थे, क्योंकि वो पॉल की फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था और अपने घर पर कम ध्यान देता है। इस पर वो बोलता है कि वो एक डॉक्टर है और जेनी एक पेशेंट है और ये उसका फर्ज है। अगले सीन में डॉक्टर प्रसाद जेनी की हिप्नोथेरेपी शुरू करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो खाई पर क्यों गई थी, जिस पर वो कहती है कि वो नहीं गई थी, लेकिन वो ये बोलते हैं कि उन्हें उससे बात करनी है जो कि वहां गई थी। और अब जेनी के अंदर की स्पिरिट या फिर ये कहें कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी, जो कि चाइनीज में बात कर रही थी, जिसको वहां पर बैठा हुआ ट्रांसलेटर ट्रांसलेट भी करता है, तो ये बोलती है कि ये उसका घर है और वो नहीं चाहती कि वहां पर कोई और रहे। और वो अपना नाम लीजिंग बताती है और अपना पेट रब करने लगती है, जिसके बारे में डॉक्टर प्रसाद उससे पूछते हैं, तो वो बताती है कि वो अपने पेट से ब्लड को साफ कर रही है, जो कि बहुत ही अजीब था, या फिर ये कहें कि ये कोई एंशियंट चाइनीज थेरेपी थी। खैर, थोड़ी देर के बाद में वो अजीब तरह से स्क्रीम करने लगती है और फाइनली डॉक्टर प्रसाद उसको होश में लाते हैं। और अभी यहाँ पर क्या कुछ हुआ, जेनी को कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद में डॉक्टर प्रसाद पॉल से बोलते हैं कि उन्हें एक प्रीस्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्यों ये बाद में वो बताएंगे। और वो लोग लोकल प्रीस्ट जोशुआ के पास में जाते हैं। वहां पर डॉक्टर बताते हैं कि जेनी अपनी मदर के जाने से बहुत दुखी थी और ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाई, जिसने गोस्ट, पजेशन और एग्जॉर्सिज्म जैसी चीजें पढ़ी, और अब उसके दिमाग में उसने एक कहानी बुन ली है कि ये इमेजिनरी गोस्ट रियल है और वो पजेशन में है, तो उनको उसके ऊपर एक फेक एग्जॉर्सिज्म करना होगा, जिससे उसको ये लगेगा कि एग्जॉर्सिज्म के बाद पजेशन हट चुका है और वो यकीन करेगी कि स्पिरिट चली गई
है जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिस पर पॉल ये पूछता है कि अगर ये सब दिमागी बीमारी है या फिर कहानी है तो वहाँ पर जो उसने चाइनीज बोली उसका क्या, जो कि जेनी को तो बिल्कुल भी नहीं आती। जिस पर वो ये कहते हैं कि शायद से जेनी ने गूगल ट्रांसलेटर का यूज किया होगा उन बातों को सीखने के लिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इतनी जल्दी कोई भी चाइनीज नहीं सीख सकता। खैर अब अगले सीन में 22 फरवरी 2016 को जेनी डिकोस्टा का फेक एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है और फादर जोशुआ अपने राइट्स पढ़ते हैं, लेकिन जेनी का पोजेशन बिल्कुल रियल था और ऑथेंटिक था, और कुछ ही देर के बाद में ये चीज साबित भी हो जाती है क्योंकि ली जिंग की स्पिरिट उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेती है और उन दोनों को दूर फेंकने लगती है, इवन पॉल को तो हवा में लटका देती है। लेकिन फादर जोशुआ यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे तो वो अपनी प्रेयर्स जारी रखते हैं और उसको संभालते हैं और उसे क्रिस और डॉक्टर प्रसाद की हेल्प से चेयर से बांध देते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और हवा में लेविटेट करने लगती है और पूरे रूम के अंदर हलचल शुरू हो जाती है और साथ ही साथ सारी विंडोज भी टूट जाती हैं। फादर जोशुआ अपनी प्रेयर्स कर रहे थे और जेनी क्रिस को दूर फेंक कर क्लोजेट के नीचे दबा देती है, डॉक्टर प्रसाद को अलग फेंक देती है और फादर जोशुआ को उल्टा लटका देती है, और अब वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर होली क्रूसिफिक्स उल्टा हो चुका था और अब फादर नीचे गिर जाते हैं जिससे उनकी नेक ब्रेक हो जाती है और सब कुछ तभी ठीक हो जाता है। अब हम रिकॉर्डर पर सुनते हैं कि जेनी जो कि चाइनीज में बोल रही थी कि लड़की मरने वाली है। अब मार्च आ जाता है और फादर जोशुआ हॉस्पिटल में थे जो कि कोमा में चले गए थे, और उनके लिए डॉक्टर प्रसाद और पॉल को बुरा लग रहा था एज उनके लिए ही उन्होंने वो एग्जॉर्सिज्म किया था। अब डॉक्टर का अभी तक गॉड और पजेशन गोस्ट पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन उस दिन उन्होंने जो देखा था उससे उनका यकीन बिल्कुल हिल गया था। हालांकि उस दिन जेनी ठीक हो गई थी और वो पूरी तरह नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर प्रसाद ये भी बोलते हैं कि जेनी के एग्जॉर्सिज्म के वक्त फादर जोशुआ ने कुछ भयानक देखा था जो कि उनके लास्ट एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था, लेकिन क्या देखा ये उनको नहीं पता। जिस पर क्रिस बोलता है कि ये तो उनको पता होगा जो कि अभी कोमा में है। इवन घर पर भी पॉल से लिजी और उसके फादर ये घर बेचने की बात करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है एज उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इस घर के ऊपर ही लोन अप्लाई किया है, और जेनी भी ये बोलती है कि वो एकदम ठीक है अब। अब रात को हम पॉल के घर की मेड को कोई रिचुअल करते हुए देख पाते हैं वूडू डॉल की हेल्प से। तभी वहां पर पॉल आ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर वो कहती है कि घर की चीजें गायब हो जाती हैं, बुरी स्मेल आने लगती है और इस घर में अभी भी गोस्ट हैं, इसलिए वो ये पूजा कर रही है। लेकिन पॉल उसकी बात नहीं मानता और उस पर गुस्सा करके ये सब बंद करने को बोलता है। अब जब रात में सभी सो जाते हैं तो कोई स्पिरिट इस मेड के पास में आती है और उसको हॉन्ट करके मार डालती है, और उसकी हालत उसी वूडू डॉल जैसी हो गई थी, मींस ये स्पिरिट बहुत ही ज्यादा हेटफुल और क्रूअल है। अब अगली सुबह पॉल को मेड कहीं पर भी नहीं मिलती और वो उसके रूम में देखने जाता है तो वहां पर भी वो नहीं थी, लेकिन वो वूडू डॉल बेड के नीचे पड़ी हुई थी जहां पर मेड मारी गई थी, और अब उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है और वो उस बंजारे को घर पर बुला लेता है, यानी कि उसको फाइनली यकीन हो गया था कि स्पिरिट्स और गोस्ट होते हैं। इधर हम क्रिस और लक्ष्मी को देखते हैं और लक्ष्मी उसे गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है, और इससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली क्रिस। दूसरी ओर पॉल के घर में वो बंजारा आता है और स्पिरिट से कम्युनिकेशन करता है, जहाँ पर उसे कुछ चीजें पता चलती है। वो बताता है कि इस घर में दो स्पिरिट्स हैं जो कि पॉल और उसकी फैमिली को यहाँ से भगाना चाहती हैं, लेकिन एक और ऐसी स्पिरिट भी है जो कि उन्हें यहाँ पर रोकना चाहती है, और अब वो उनके साथ बन चुकी है और वो लोग कहीं भी जाएंगे तो वो उनका पीछा करती रहेगी। और ये जो दो स्पिरिट्स हैं ये उसी चाइनीज मदर और डॉटर की हैं जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और वो बंजारे को ये बताती हैं कि यहाँ पर सब लोग मारे जाएंगे। अब रात को मदर और डॉटर की स्पिरिट क्रिस के सपने में उसको हॉन्ट करती है, और साथ ही साथ मॉर्निंग में वो लक्ष्मी को भी दिखाई देती है जिससे वो गिर जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसको चेक करके बताते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस लक्ष्मी को कुछ दिन के लिए यहीं पर बेड रेस्ट लेना होगा। अब हम डॉक्टर प्रसाद को भी देखते हैं जो उस घर की हिस्ट्री के बारे में पता कर रहे थे। साथ ही साथ क्रिस एक सर्जरी के दौरान उन स्पिरिट्स को देखता है जिससे सर्जरी थोड़ी सी गलत हो जाती है, हालांकि पेशेंट बच गया था, लेकिन उसे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि रीजन कुछ भी हो वो किसी की जान से खेल रहा था। अब डॉक्टर प्रसाद उससे मिलते हैं और उसको बताते हैं कि इस घर में कुछ भयानक हुआ था और उसकी एकमात्र आई विटनेस है जो कि अभी भी पास वाले गांव में रहती है, और वो दोनों उससे सच जानने निकल पड़ते हैं। इधर वो बंजारा घर को चेक कर रहा था और उस कोम को भी वो चेक करता है और उससे जुड़ी हुई मेमोरीज को देख लेता है। ये तो मुझको सस्ता एड एंड लोरेन वॉरन लग रहा है। खैर घर के पास वाली खाई को वो देखता है जहां पर उसे विजन से ये पता चलता है कि यहां पर ही वो फैमिली दफन है,
जिसके अंदर वो मदर एंड डॉटर साथ में दफन हो गई थी। और सबसे बड़ी बात कि मरते टाइम वो लेडी प्रेग्नेंट भी थी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज की वो थर्ड स्पिरिट जो है वो किसी और की नहीं बल्कि उसके ही हस्बैंड की है, जिसका नाम लूवे था, और वो भी वहीं पर दफन है। अब यहाँ पर डॉक्टर और क्रिस उस गांव में उस विटनेस के पास में जाते हैं जो कि एक बहुत ही ओल्ड लेडी थी। ऑब्वियस ही बात है कि ये 1937 की बात थी। वो बताती है कि उस वक्त वो मात्र 8 साल की थी और तब उसने वो सब कुछ देखा था और अब वो सब कुछ बताती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो लूवे असल में एक चाइनीज सिल्क का बिजनेसमैन था जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ इस घर में रहा करता था। और ये ओल्ड लेडी जब बच्ची हुआ करती थी तो वहां पर वो आसपास वाली खाई पर लगे हुए पेड़ से फूल तोड़ने जाया करती थी। अब एक दिन लू ने उस लड़की को देख लिया और उसको पकड़ लिया। और ये दिन सूर्य ग्रहण का था और वो कुछ चैंटिंग करके उसको जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी वाइफ ने उस बच्ची को बचा लिया और वहां से भगा दिया और उससे झगड़ा करने लगी। लेकिन लू ने उसको ही पीट कर बेहोश कर दिया और अब वो अपनी बेटी को लाया। और असल में वो एक डेविल वर्शिपर था जिसने लड़के की ख्वाहिश में अपनी बेटी की ही बलि चढ़ा दी थी। और जब उसकी वाइफ को होश आया तो उसने ये देखा और वो बहुत ही ज्यादा दुखी होकर ये बोली कि अगर किसी बेटी के मरने पर एक बेटा मिलेगा तो उसे वो बच्चा नहीं चाहिए, और उसने खुद को ही मार लिया और साथ ही साथ उसका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो अब होना क्या था, उसकी पूरी फैमिली ही खत्म हो गई थी तो उसने भी कुएं में कूद कर जान दे दी। लेकिन यहाँ पर ये अंत नहीं है बल्कि ये तो शुरुआत है, और यहाँ पर हमें कहानी का खाली आधा हिस्सा पता चला है और कुछ बड़ा अभी बाकी है। अब लक्ष्मी को हॉस्पिटल के अंदर होश आता है और उस लेडी की स्पिरिट साथ ही साथ उसकी बेटी की स्पिरिट उसको दिखती है और वो घूमते घूमते फादर जोशुआ के रूम तक पहुंच जाती है जिन्हें अब होश आ गया था और इन दोनों ही स्पिरिट ने उसको होश दिलवाया था। इधर क्रिस और डॉक्टर प्रसाद भी गांव से वापस आ गए थे और लक्ष्मी क्रिस को कॉल करके बताती है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर पॉल के घर पर ही जा रही है। वो लोग अब वहां पर आते हैं और वहां पॉल की पूरी फैमिली तो थी ही, साथ ही साथ वो बंजारा भी था। और लक्ष्मी बोलती है कि आज भी सूर्य ग्रहण लगने वाला है और उसको पता चला है कि ये स्पिरिट्स यहां पर जान लेने वाली हैं, तो उन्हें जेनी को छुपाना होगा। और वो क्रिस के साथ में जेनी को ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन वो क्रिस को ही रूम में बंद कर देती है। और अब हमारे सामने आते हैं दूसरे और बहुत बड़े वाले असली पत्ते कि वाइफ की स्पिरिट ने जेनी को पजेस किया था, ये हमने देखा था, लेकिन उनका मोटिव था इस फैमिली को यहां से भगाना, ना कि उनको नुकसान पहुंचाना। लेकिन यहां पर लू की स्पिरिट का क्या, यानी कि उस औरत के पति की स्पिरिट का क्या? तो उसकी स्पिरिट ने पजेस करके रखा है क्रिस को, जी हां, और आज वो सूर्य ग्रहण के दिन सैरा की बलि देने वाला है। और ये बात उसे फादर जोशुआ ने बताई थी जिन्होंने उस दिन जो भयानक चीज देखी थी वो असल में यही था कि लू का क्रिस के ऊपर पजेशन है और उसने ही उनकी नेक भी तोड़ी थी। साथ ही साथ डॉक्टर प्रसाद को भी ये पता चल गया था कि लू की डेट ऑफ बर्थ और क्रिस की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है, साल अलग है लेकिन महीना और तारीख बिल्कुल सेम। और उन्हें ये भी पता चल गया था कि क्रिस लू के पजेशन में है, तो उन्हें क्रिस ने पहले ही जान से मार दिया था, यानी कि डॉक्टर प्रसाद को उसने पहले ही निपटा दिया। अब सच तो सबके सामने आ ही चुका था और वो लोग क्रिस को रूम में ही लॉक्ड कर देते हैं, लेकिन वो डोर तोड़कर बाहर आ जाता है और सैरा का पीछा करने लगता है और सब वहां से भागते हैं। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी उसको रोक नहीं पा रहा था और वो सबको ओवर पावर करके सैरा तक पहुंच जाता है और उसे जान से ही मारने वाला होता है। लेकिन लक्ष्मी उससे बोलती है कि अगर एक बच्ची को मारने से लड़का पैदा होगा तो उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। और सेम बात लू की वाइफ ने भी उससे कही थी, तो वो इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सैरा को छोड़कर लक्ष्मी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन बाकी लोग आकर उसको रोकते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सबको ही ओवर पावर करके उनकी बॉडी को एक तरह से जकड़ लेता है और उसे यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं था। जो उसके सामने आ रहा था वो उसको रोक नहीं पाता। अब उसके सामने एक छोटी सी बच्ची है जिसकी बलि वो देने वाला है और शैतान भूखा है, तो अब उस मासूम को बचाएगा कौन? तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर उसकी वाइफ और बेटी की स्पिरिट ही उसको बचाएंगी। अब उन दोनों की स्पिरिट वहां पर आती है और लू की स्पिरिट से लड़ने लगती है और कुछ ही देर के बाद में सूर्य ग्रहण भी हट जाता है और सेक्रेट लाइट के आने से वो तीनों ही स्पिरिट इस दुनिया से चली जाती है। लू की स्पिरिट तो ऑब्वियस ही बात है नर्क में जाती है अपने पापों की सजा पाने के लिए, और उस माँ बेटी की स्पिरिट हेवन में अपने अच्छे कामों के लिए इतने सालों की कैद से आजाद हो जाती है। और यहाँ पर लू का मकसद फिर से वही था, लड़का पाना, लड़की की बलि देकर। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि उसको अपने घर की ही लड़की की बलि देनी है, वो किसी भी लड़की की बलि दे सकता था बच्चे के चक्कर में। खैर, मूवी के एंडिंग सीन में हम 4 साल के बाद क्रिस और लक्ष्मी को देखते हैं जो कि अब गोवा में रहते हैं, और उनसे मिलने पॉल और जेनी आते हैं क्योंकि जेनी अब फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन जा रही थी। वो क्रिस को उसके बेटे ऋषि को बुलाने का बोलती है और हम तभी ऋषि को देखते हैं जिसके साथ ही एक फ्लैशबैक भी आता है, यानी कि अभी भी चीजें बाकी थी। अब आपको याद होगा कि जब जेनी को बचाने के लिए क्रिस ने कुएं में जंप किया
गया था, तब उसको वहां पर लू ने पजस किया था, क्योंकि लू ने उस कुएं में कूद कर ही अपनी जान दी थी। अब रात को जब क्रिस अजीब तरह से भी इंटीमेट हो रहा था, तो वहां पर असल में वो लू था, न कि वहां पर वो क्रिस था। अब यहां पर कहने को तो ऋषि क्रिस का बेटा है, लेकिन अंश यहां पर लू का है, और लू की स्पिरिट ने नर्क में जाने से ये बोला था कि वो वापस आएगा, और ये खाली एक शुरुआत है, और उसके वापस आने का जरिया कोई और नहीं बल्कि ऋषि होगा।